श्री राम समर्थ नवंबर 2। आसक्ति भगवान के प्रति हो। किसी भी धर्म की हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक धर्म में भिन्न भिन्न विधियां विहित होती है। धर्म के लिए विधियों की बहुत आवश्यकता होती है। विषय भी हम विधि पूर्वक भोगते हैं। हम प्रायः कहते हैं, मैं गंगा स्नान करने जाता हूँ। वैसे मन से गंगा को जाने पर भी तो कोई हर्ज नहीं, किंतु गंगा स्नान करने के लिए जाकर यदि अपवित्र मन से लौट आए तो ऐसे स्नान से क्या लाभ। वैसे ही नामस्मरण करके विषय भोग करते रहें तो क्या लाभ। कर्म के बंधन टूटे इसलिए शास्त्र के बंधन पालने पड़ते हैं। भगवान को पैसा अर्पण करने का यही हेतु होता है कि हमारा लोभ कम हो। सच पूछा जाए तो कर्म करने के बिना हमें सुहाता ही नहीं, किंतु हम कल की आशा व्यर्थ करते ही रहते हैं। यही हमसे भूल होती है। कुछ भी न करते हुए बैठे रहना मनुष्य के लिए संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि हम किसी से कहे कि हाथ पांव बिल्कुल न हिलाते हुए कुछ भी न करते चुपचाप बैठे रहो तो उसके लिए वह सजा ही होगी। तो फिर यदि कुछ करना जरूरी ही है तो हम अच्छा कार्य ही करें। जो कर्म बंधन के लिए कारण बनता है वह कर्म विपरीत कर्म ही है। कर्ता होने का अभिमान रख कर किया गया कर्म विपरीत ही होता है। ज्ञान की अवस्था में किया गया कर्म पूर्ण ही होता है। उसके पहले किया कर्म अर्थात ज्ञान की अवस्था के पहले किया कर्म पूर्ण नहीं होता। धर्म भी आखिर क्या कहता है, हर कोई अपना कर्तव्य पूर्ण करे, किंतु कर्तव्य करने का कारण भी क्या होता है। तो वह कारण है कि हम भगवान के लिए वह करें। भगवान में श्रद्धा रखकर कर्तव्य करने पर ही मनुष्य सुखी होगा। सुधारों से सुविधाएं हुई अर्थात देह का सुख बढ़ गया, किंतु उससे परावलंबन ही आया और परावलंबन में सच्चा सुख नहीं है। लौकिक विद्या सच्ची विद्या नहीं है, वह तो अविद्या ही है। विद्या से या तो समाधान मिलना चाहिए या फिर पैसा तो जरूर ही मिलना चाहिए। इस विद्या से ये दोनों बातें नहीं होती। विद्वान मनुष्य को भी नौकरी के लिए अर्जी देनी पड़ती, यानी यह विद्या स्वयं प्रकाशी नहीं है। जीवन के लिए हवा पानी और अन्न आवश्यक ही है। इन्हें हम किसी न किसी तरह प्राप्त करें, लेकिन बाकी सब चीजें हमें कुछ तो अपने शौक के लिए और कुछ टाट बाट के लिए आवश्यक होती है। यदि पैसा हो तो हम दीनों की तरह न रहे, किंतु उसमें हमारी आसक्ति न हो। आसक्ति भगवान में हो और अन्य गृहस्थी के लिए उदासीन हो। मेरा कोई शत्रु नहीं और न कोई मित्र है। ऐसी जिसकी सच्ची वृत्ति होती है वह सुखी होता है। जो किसी पर भी निर्भर नहीं होता, जिसके लिए कोई बाधा नहीं होती, उसे मुक्त समझे। हमारी देह को कहीं भी थोड़ी चोट आए तो हमें उसका भान होता है। उसी प्रकार मन की सभी प्रकार की वृत्ति में भगवान का स्मरण रहे, यही अनुसंधान है, यही विद्या है, यही सच्चा धर्म है और यही परमार्थ का सार है। आज का मुख्य विचार, जिसकी गृहस्थी में परमात्मा ही आधार बनता है, उसे गृहस्थी ही परमार्थ होती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।